माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, चौमू। बच्चों, हम थर्मोडायनेमिक्स का आज नेक्स्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, स्वतः परिवर्तितता तथा साम्य निर्धारण की कसौटी के रूप में गिब्स ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो है वो स्पॉन्टेनिटी और तथा साम्य निर्धारण को किस प्रकार डिसाइड करती है, या स्वतः स्फूर्तता स्पॉन्टेनिटी को और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को किस प्रकार से बताती है। तो हम गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी आप जानते हो कि हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो होती है वह ए से रिप्रेजेंट की जाती है, और वो जो होता है वो हमने बताया था, ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, यू माइनस टी एस के बराबर होता है, जबकि जी जो होता है या गिब्स एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है जी बराबर यू प्लस पी वी माइनस टी एस। या यूँ कहिए, हम अगर हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में अगर पी वी जोड़ दें तो हमारे पास जो है वो गिब्स एनर्जी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए कैसे ये होता है, तो हम ये थ्योरेटिकल बात है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना, पर ये जो कंसेप्ट है उसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले उन प्रक्रमों को स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जिनमें तंत्र पर कोई बाह्य कार्य न किया जाए, वह बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतः अपने आप ही संपन्न हो जाए। उदाहरण के लिए जल एवं अन्य द्रवों का ऊंचाई से नीचे आना, ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह होना, या फिर पेड़ से पत्तों का गिरना, उम्र का बढ़ना, इस तरह के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं। माना हम किसी परिवर्तन के दौरान प्रसार कार्य के अतिरिक्त लिए गए कार्य को प्रदर्शित करना है, उस स्थिति में हम डेनियल सेल जैसी कोई युक्ति निकाल सकते हैं, जिसके लिए डब्ल्यू ए इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, और उत्क्रमणीय सेल के लिए माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि किसी प्रक्रम में प्रसार कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य प्रदर्शित हो, ऐसी स्थिति में डेल्टा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और उस स्थिति में माइनस डी जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, जो एक निश्चित परिवर्तन के लिए निम्न स्वरूप होगा, या जिसको निश्चित प्रक्रम के लिए हम निम्न प्रकार से या समीकरण 13 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो होगा माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। समीकरण 12 व 13 को समीकरण 12 व 13 ये प्रदर्शित करते हैं कि स्थिर ताप व स्थिर दाब पर किसी भी वास्तविक परिवर्तन के लिए डेल्टा जी का मान हमेशा नेगेटिव होना चाहिए और गिब्स ऊर्जा का मान में कमी आनी चाहिए, अर्थात डेल्टा जी के वैल्यू में हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, माइनस डेल्टा जी का मान धनात्मक होना चाहिए, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू में कमी होनी चाहिए। एक स्वतः या एक स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है वह तब तक संपन्न होता जाएगा जब तक कि उसकी गिब्स ऊर्जा का मान घटते घटते न्यूनतम मान तक न पहुंच जाए। अतः साम्यावस्था में किसी तंत्र की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, गणितीय भाषा में न्यूनतम अंक शून्य है, अतः हम ये कह सकते हैं कि साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान जो होता है वो डी जी का मान या गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान जीरो होता है। कोई अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित अथा अथवा साम्य में है, स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम है, इसका अनुमान डेल्टा जी के मान और उसके बीजगणितीय चिन्ह प्लस या माइनस से तुरंत लगा सकते हैं। अतः यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो जो चेंज है या जो परिवर्तन है या जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो है तो परिवर्तन जो है वो साम्य होगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो परिवर्तन जो है अस्वतः परिवर्तित होगा या अप्राकृतिक होगा,
और उस परिवर्तन के लिए जो दिशा हम सोच रहे हैं उससे विपरीत दिशा में वह परिवर्तन संपन्न होगा डेल्टा जी के लिए। यानी कि सिंपल सी बात है, डेल्टा अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए जीरो होना चाहिए, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होना चाहिए। वास्तविक तथा उत्क्रमणीय प्रक्रमों के अध्ययन के लिए हम क्लॉसियस का असमानता संबंध प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अनुसार डेल्टा क्यू डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई टी, या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है टी डी एस। अतः एंट्रोपी परिवर्तन या हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ए या गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान और उन चिन्हों के आधार पर ये निर्धारित कर सकते हैं कि कोई परिवर्तन स्वतः परिवर्तित होगा या साम्य होगा। संक्षेप में हमें निम्न सारणी द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो हमने संक्षेप में बताया, प्रक्रम डेल्टा एस अगर डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है तो हम ये कहेंगे वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और जीरो है तो वह इक्विलिब्रियम में होगा। अगर डेल्टा ए जो है किसी प्रोसेस में नेगेटिव हो तो वह स्पॉन्टेनियस होगा, जीरो होने पे साम्य होगा। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा और जीरो स्थिति में वह इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस के लिए, प्राकृतिक प्रक्रम के लिए स्थिर ताप व दाब पर उसके डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। मुक्त ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी एस, या स्थिर ताप पर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस। तो हमारे को ये इक्वेशन याद रखनी है, कौन सी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। किसी प्रक्रम के लिए तात्कालिक या स्वतः होने के लिए अर्थात डेल्टा जी के ऋणात्मक मान के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ ये होंगी। हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या तात्कालिक है या तुरंत होने वाला जो प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी का मान जो है वो नेगेटिव कब कब हो सकता है, जब नेगेटिव होगा तो वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। देखिए हम देखते हैं पहली कंडीशन में क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच जो है नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव होने पर पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर फार्मूला देखिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये जो है वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरी कंडीशन, डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो तो डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा एस तो पॉजिटिव है ही और डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। फिर कंडीशन तीन आती है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, उस स्थिति में देखिए क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होने पर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो इससे तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, परंतु डेल्टा एस नेगेटिव होने पर ये क्या है, डेल्टा जी है वो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। पर कम ताप पर अगर ताप कम हो तो और ये नेगेटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, परंतु डेल्टा एच का मान उच्च नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की वैल्यू कम और नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा, तो अल्टीमेटली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरी कंडीशन में उच्च ताप पर, अगर ताप उच्च होगा और नेगेटिव परिस्थितियाँ हो, ताप उच्च होने पर क्या होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस टी डेल्टा एस का मान माइनस डेल्टा एच से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि माइनस डेल्टा एच तो हो जाएगा कम
और प्लस टी डेल्टा एस जो है वो हो जाएगा ज़्यादा, तो डेल्टा जी की वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगी उच्च ताप पर, और ये जो प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथी कंडीशन में, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो तो कम ताप पर क्या होगा, कम ताप पर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो कम ताप पर तो माइनस टी डेल्टा एस जो है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस में रहेगी, और ये पॉजिटिव में रहेगी, तो कम ताप पर तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसमें उल्टा होता है, उच्च ताप पर क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस जो है उच्च ताप पर, देखिए ताप उच्च है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी उच्च ताप पर, और डेल्टा एच जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो उस स्थिति में डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव होने से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की मूलभूत समीकरण को प्राप्त करते हैं। देखिए ऊष्मा गति में किसी तंत्र को परिभाषित करने के लिए उसके दाब व आयतन के अतिरिक्त तीन मूल गुणों ताप, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी एवं उससे संयुक्त तीनों गुण एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा और गिब्स ऊर्जा का महत्व है। ये सारे गुण परस्पर किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। उन्हें बताने वाली समीकरण को ऊष्मा गति की मूलभूत समीकरणें कहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि किसी प्रक्रम में प्रसार कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात डेल्टा डब्ल्यू ए बराबर जीरो है। इस प्रतिबंध के साथ साम्यावस्था के लिए सामान्य परिस्थितियाँ निम्न हैं, डी यू बराबर टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी या पी डी वी, डी यू इज इक्वल टू टी डी वी हो गया समीकरण एक से, ये मान रहे हैं। अब उष्मागति की के प्रथम व द्वितीय नियम के संयोग से बनी हुई यह समीकरण उष्मागति की मूलभूत समीकरण है। इसमें संयुक्त तीनों फलनों की परिभाषाएं निम्न है, एच बराबर हो जाएगा यू प्लस पी वी, ए बराबर हो जाएगा यू माइनस टी एस और जी बराबर हो जाएगा यू प्लस पी वी माइनस टी एस। अब इन तीनों समीकरणों को अवकलित करने पर हमें तीन समीकरण, निम्न तीन समीकरण प्राप्त होती है, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, डी ए बराबर दूसरी जो समीकरण है वो ये निम्न प्राप्त होगी, डी ए बराबर डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और तीसरी समीकरण जो हमारे को प्राप्त होगी वह होगी डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब तीनों समीकरणों, इन तीनों समीकरणों में से समीकरण एक से डी यू का मान रखने पर, देखिए पहली समीकरण में हमने डी यू का मान रखा तो हमारे पास आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, तो पी डी वी पी डी वी से कट जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, जो समीकरण दो के रूप में बताया। अब डी ए बराबर रखते हैं, डी ए बराबर डी ए में जो समीकरण है उसमें हम वैल्यू किसकी रखते हैं, डी यू की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब टी डी एस कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी माइनस डी ए बराबर माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, ये समीकरण तीन हो जाएगी। अब समीकरण तीन में वैल्यू रखते हैं, डी जी इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब इसमें टी डी एस कट जाएगा और पी डी वी कट जाएगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, जो समीकरण चार है, और ये चारों जो समीकरण है वो ऊष्मागतिकी की मूल समीकरण है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, इन्हीं ऊष्मागतिकी की समीकरणों को मूल ऊष्मागतिकी समीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, वी पी वी एम टी के साथ जी व ए का परिवर्तन या वेरिएशन ऑफ जी एंड ए, यानी गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ जो है एनर्जी है उसका दाब, आयतन और ताप के साथ क्या परिवर्तन होता है उसको अपन स्टडी करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ऊष्मागतिकी की
निम्न मूलभूत समीकरण पर विचार करना चाहिए। हमने पहले समीकरण देखी है, डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ताप परिवर्तन डी टी तथा दाब परिवर्तन डी पी का फलन है। अर्थात जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जी के लिए निम्न समीकरण बनाई जा सकती है, डी जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डेल्टा जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी, जो समीकरण दो के रूप में बताई गई है। उपरोक्त दोनों समीकरण एक व दो की तुलना करने पे हमारे पास होगा डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस, जो समीकरण चार के रूप में बताया गया है, और डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू वी, जो समीकरण पाँच के रूप में बताया गया। अब समीकरण चार व पाँच में क्या है इसको हम समझा रहे हैं। एंट्रोपी के ऋणात्मक मान से यह तात्पर्य है कि स्थिर दाब पर यदि तंत्र के ताप को बढ़ाया जाए उसकी गिब्स ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। इस कमी होने का वेग ठोस व द्रव की तुलना में गैसों में अधिक होगा, क्योंकि गैसों पर एंट्रोपी का मान उच्च होते हैं। अब समीकरण पाँच में क्या गया है। समीकरण पाँच में आयतन का के धनात्मक मान से तात्पर्य है कि स्थिर ताप पर किसी तंत्र के दाब में वृद्धि उसके गिब्स ऊर्जा के का मान बढ़ जाएगा। दाब में वृद्धि करने से उसकी गिब्स ऊर्जा के मान भी बढ़ जाएगा। तंत्र के आयतन का मान जितना अधिक होगा उसकी गिब्स ऊर्जा की वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। चूँकि ठोस व द्रव की तुलना में गैसों का आयतन अधिक होता है, अतः स्थिर ताप पर दाब वृद्धि के साथ गैसों की गिब्स ऊर्जा का मान तेजी से बढ़ता है। अब देखिए नेक्स्ट बात है, प्रति मोल गिब्स ऊर्जा जी बाई एन को मोलर गिब्स ऊर्जा म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यह निम्न समीकरण द्वारा दाब के साथ संबंध को प्रदर्शित करता है। म्यू बराबर म्यू जीरो टी प्लस आर टी एल एन पी, या फिर हम यूँ कह सकते हैं म्यू माइनस म्यू जीरो टी इज इक्वल टू आर टी एल एन पी। अतः आदर्श गैस के लिए दिए गए ताप पर दाब वृद्धि के साथ गिब्स ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती जाएगी, जैसा कि निम्न ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। म्यू बराबर म्यू जीरो इधर म्यू माइनस म्यू जीरो इधर ले लेंगे और दाब इस स्केल पे लेंगे तो हमारे को निम्न ग्राफ प्राप्त होगा। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जाएगी, या म्यू माइनस म्यू जीरो की वैल्यू या प्रति मोल गैस प्रति मोल गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो है वह भी बढ़ता जाएगा दाब बढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि इसका जो है वो संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ देख सकते हो ये जो है वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नेगेटिव वैल्यू से अल्टीमेटली ये पॉजिटिव होता जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं दाब की किन्हीं दो सीमाओं पी वन व पी टू के मध्य गिब्स ऊर्जा को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जी टू माइनस जी वन बराबर डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा आर एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन, समीकरण सात है। अथवा इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है एन आर टी 2.303 लॉग पी टू अपॉन पी वन, जो समीकरण आठ में बताया गया है। अब देखिए वास्तविक गैसों की मोलर गिब्स ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए एक नए फलन को लाया गया जिसे पलायनता या फ्यूगिसिटी कहा जाता है। यह ताप व दाब का फलन है, अतः किसी दिए गए ताप पर पलायनता का समान होने का अर्थ यह है कि उसका दाब भी समान होना। पलायनता से किसी वास्तविक गैसों की मोलर गिब्स ऊर्जा को बिल्कुल उसी भांति ज्ञात किया जा सकता है जिस प्रकार आदर्श गैस की गिब्स ऊर्जा को दाबों के मान में परिकलित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो टी प्लस आर टी एल एन एफ, या अपन पी की जगह यहाँ पर एफ रख दिया, जो समीकरण छः में हमने पी रखा था वहाँ पर एफ रख दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू बरा म्यू माइनस म्यू जीरो टी इज इक्वल टू आर टी एल एन एफ। तो म्यू माइनस म्यू जीरो अगर बढ़ता है तो हमारे पास एफ का मान भी बढ़ता है, या यूं कहिए एफ बढ़ता है तो म्यू माइनस म्यू जीरो भी बढ़ जाएगा, जो समीकरण नौ से प्रदर्शित होता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो लास्ट टॉपिक है
वो गिब्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारी आधी से ज़्यादा सिलेबस पूर्ण हो गया यूँ मानिए, और अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं और इजी टॉपिक भी है। मुख्य रूप से जो काम था वो थर्मोडाइनमिक्स था, सेकंड ईयर का मुख्य जो काम है वो सेकंड ईयर थर्मोडाइनमिक्स है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और फेज इक्विलिब्रिया है, तो वो पढ़ लेंगे। धन्यवाद।